अब हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में। तो भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी, वार्षिक वाही जल एक वर्ष में प्रवाह की मात्रा, इसकी दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी प्रथम स्थान पे है। 78% सिंचाई कृषि सिंचाई के लिए यूज होता है, 13% जल विद्युत के लिए, 6% घरेलू कार्य के लिए, 3% उद्योगों में यूज होता है। ठीक है, मैदानी भागों की नदियाँ सिंचाई के लिए, जबकि पठारी भारत की नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए यूज होती हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे हरित क्रांति के क्षेत्र ट्यूबवेल पंप सेट का अत्यधिक उपयोग भूमिगत जल के नीचे मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या जल राज्य सूची का विषय है। अब बात करेंगे हम एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में। तो 54% भाग कृषि क्षेत्र में है, 15 कृषि जलवायुविक प्रदेश हैं। खरीफ फसल मानसून काल की फसल है, जून से जुलाई अक्टूबर तक। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अंडी, कपास, तंबाकू बोया जाता है इस टाइम पे। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल है, अक्टूबर से नवंबर बोया जाता है, अप्रैल से मई में काटा जाता है। गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, गन्ना, बरसीम इसके प्रमुख फसल हैं। जायद फसल मूंग और उड़द की फसल होगी। कंटूर कृषि समोच्च कृषि होती है, नीलगिरी पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप कहलाता है। क्या होता है, देखो जिन फसलों को उपभोग के लिए ना उगाकर व्यापारिक रूप से उगाया जाता है उनको कैश क्रॉप या फिर कमर्शियल क्रॉप कहते हैं। मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, जूट, कपास, सूरजमुखी, चाय, कॉफ़ी एक्सेट्रा इसमें आते हैं। ट्रैप क्रॉप क्या होता है, जाल वाला। तो खेतों में लगी फसल को कीट पतंगों या खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल लगाए जाते हैं, उदाहरण कपास के पौधों पर कॉटन रेड बर्ड नामक कीट से बचाने के लिए चारों तरफ भिंडी लगा दी जाती हैं। और एनर्जी क्रॉप क्या होती है, देखो जिन फसलों को अल्कोहल या फिर बायोडीजल बनाने के लिए उगाया जाता है, उदाहरण गन्ना फॉर बायोडीजल इन ब्राज़ील, पोटैटो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैट्रोफा, मक्का। ठीक है, और देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें देखो कौन कौन सी हैं। तो चावल हो गए, धान, यह ग्रेमनी कुल का पौधा है, बॉटनिकल नेम इसका उनाइसा स्टाइवा है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चावल की खेती के अंतर्गत दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत में है, लेकिन चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, फर्स्ट चाइना का है। देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की तीन फसलें हैं। ओस जो है शरद ऋतु में पैदा होती हैं, अमन शीत ऋतु, बोरू ग्रीष्म ऋतु। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन तीन राज्य है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चावल को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि पश्चिमी देशों का सर्वाधिक सिंचित राज्य हैं। देश में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, और देश में चावल को बहुत ज़्यादा धुलने या पॉलिश करने के वजह से B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग पॉलिश चावल का यूज़ अधिक करते हैं उनमें बेरी बेरी रोग पाया जाता है। ठीक है, देख गोल्डन धान विटामिन ए बीटा फैटोरिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इरिगेशन एंड मीडियम ऑफ इरिगेशन इन इंडिया की बात करें तो भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य यूपी है, इसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है, 97% सिंचित हैं। सर्वाधिक असिंचित राज्य वाले दो राज्य क्रमशः हैं महाराष्ट्र और राजस्थान। देश में कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों का योगदान है। नलकूपों का जो है और कुओं द्वारा 57%, नहरों द्वारा 32%, तालाबों द्वारा 6%। शीर्ष चार नहर सिंचित राज्य हैं यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब। शीर्ष तीन नलकूप सिंचित राज्य हैं ट्यूबवेल वाले यूपी, पंजाब, बिहार। शीर्ष दो तालाब सिंचित राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई परंपरा भौगोलिक कारण है इसका। योजना उद्योग ने सिंचाई परियोजना को तीन भाग में बांटा है। बृहद सिंचाई योजना 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजना, एग्जाम्पल सभी बड़े बांध एवं उनसे निकाली गई बड़ी नहरें हैं। माध्यम सिंचाई परियोजना का देखें तो 200 हेक्टेयर से अधिक और 1000 हेक्टेयर से कम, 10000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र जिसमें आते हैं एग्जाम्पल छोटी नहरों से किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्रफल वालों के लिए, एग्जाम्पल नलकूप, कुआं, तालाब, ड्रिप या फिर स्प्रिंकल से किया जाता है। स्पेशलिस्टी ऑफ फूड ग्रेन एंड फूड साइंस की बात करें तो
देखो, शीर्ष फसल क्षेत्रफल धारक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। सर्वाधिक सिंचित फसल क्रमशः गन्ना गेहूं है। शीर्ष कृषि निर्यात चावल कपास समुद्री उत्पाद और शीर्ष कृषि आयात दालें। दूसरा गेहूं जो है, चावल और गेहूं दोनों ग्रामीण कुल की फसलें हैं। दोनों को उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। दोनों को उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है, ठीक। और भारत में दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है और सिंचाई की ज़रूरत क्योंकि जाड़े में वर्षा कम होती है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब लेकिन सर्वाधिक उत्पादन में यूपी में 35% है। शीर्ष तीन गेहूं उत्पादक राज्य हैं यूपी, पंजाब, हरियाणा। गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल यूपी में है। वनस्पति के नेम इसका ट्रिटिकम स्टाइवम है। विकास का क्षेत्र नॉर्मन बोरबांग को नॉर्वे मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने इस प्रजाति का विकास मैक्सिको में किया। लर्मा रोजो 64, सोनारा 63, सोनारा 64 भारत में, और नोरिन टेन जापान की प्रजाति है। मेकोसिनी गेहूं सूजी पूसा बहकर बिस्किट बनाए जाते हैं। ब्लूटीन नामक प्रोटीन होता है इसमें। प्रिपेजिल आइसो प्रोट्यूशन खरपतवार नाशती होता है और खरपतवार मुख्य फसल के रूप में धूप, पानी और पोषक तत्व की प्रतिस्थाई करते हैं। मक्का की बात करें तो 80% कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा मक्का में होती है, इसलिए बायोडीजल उत्पादन में काम आता है। मक्का में प्रोटीन को जैन कहते हैं। और मक्का एक मक्का रफ एक जो है सीफूर पौधा है, एक उभयलिंगी शयी पौधा है और सर्वाधिक उत्पादन राज्य कर्नाटक में है। खरीफ, रवि, जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। मोटे अनाज जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का। बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है, इसीलिए राजस्थान में ज़्यादा उगाया जाता है। जौ राजस्थान में, बाजरा राजस्थान में, ज्वार महाराष्ट्र में, मक्का कर्नाटका में। स्पेशल और पल्स क्रॉप्स की बात करें दलहनी फसलों की, तो लेग्यूमिनेसी कुल के में शामिल होते हैं। ये जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थलीकरण होता है। दलहनी फसलें मृदा में नाइट्राइट की आपूर्ति करके मृदा की उर्वरता बढ़ाती हैं। फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खरीफ, दलहन, रबी हैं, ठीक है। एक फसल द्वारा मृदा से लिए गए पोषण मान को मिट्टी में वापस करते हैं ताकि अगली फसल के लिए मृदा में पोषक बना रहे। प्रमुख दलहनी फसलें जो हैं अरहर, चना, मटर, मसूर रबी की हैं। सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया खरीफ की हैं। सोयाबीन, मूंग, उड़द जायद ऋतु में भी पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार दालों की खेती तीनों ऋतुओं में होती है। दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन एमपी में है। फसलवार उत्पादन में राज्यों का स्थान समग्र दलहन एमपी में, चना एमपी में, मसूर यूपी में, सोयाबीन एमपी में, अरहर महाराष्ट्र में ज़्यादा होते हैं। दालों के उत्पादन उपभोग में भारत का प्रथम स्थान, इसके बावजूद कृषि उत्पादों में सर्वाधिक आयात दालों का, क्योंकि शाकाहारी जनसंख्या का प्रोटीन प्राप्ति का सर्वाधिक साधन दालें ही हैं। दलहन फसलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में है। सोयाबीन 40% है और 20% तेल है। विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन USA फिर ब्राज़ील में होता है। भारत में प्रथम स्थान MP का है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। आशा अरहर की लोकप्रिय किस्म है। अपनी मटर की पत्ती विहीन किस्म है। सम्राट चने की लोकप्रिय किस्म है और गरिमा मटर की लोकप्रिय किस्म है। ऑयल क्रॉप्स इन इंडिया की बात करें तो अन उपजाऊ और वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। तिलहन उत्पादन में MP अग्रणी राज्य है। सरसों रबी की जबकि मूंगफली और सोयाबीन खरीफ की फसल है। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन, मूंगफली और मूंगफली एक स्वपरागित फसल है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोतिक अम्ल जो कोलेस्ट्रॉल साफ करता है। सरसों के तेल में तीखावन आइसोथोसाइनेट के कारण होता है। सरसों में एरुसिक अम्ल पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुसुम के तेल का इस्तेमाल वाटर प्रूफ कपड़ों के निर्माण में और चमड़े के प्रिजर्वेशन में होता है। तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य इस प्रकार है। कुल तिलहन MP में, सोयाबीन MP में सबसे ज़्यादा होता है, मूंगफली गुजरात में, सरसों राजस्थान में, सूरजमुखी कर्नाटक में, नारियल तमिलनाडु में, कुसुम महाराष्ट्र में। फसलों में पोषक स्तर एक चावल 6% प्रोटीन होता है, गेहूं में 15% प्रोटीन होता है। चावल में 6% प्रोटीन और 76% कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं में 15% प्रोटीन और 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। सोयाबीन में 45% प्रोटीन और 20% तेल होता है। मूंगफली में 30% प्रोटीन होता है।
कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप की बात करें, इसको अगले इसमें करेंगे।